हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हिस्टोलॉजी के कौन कौन से स्ट्रक्चर की माइक्रोएनाटॉमी आपसे एनाटॉमी के पेपर ए में, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है एनाटॉमी का, उसके पेपर ए में कौन कौन से स्ट्रक्चर या ऑर्गन की हिस्टोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। और ध्यान दीजिए भाई, मैंने ये आपके सामने हिस्टोलॉजी बता दी है, इन इन स्ट्रक्चर की आपसे पूछेंगे। पूरे पूरे चांस है क्या इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा ए क्वेश्चन, या 3 मार्क्स में भाई, या फिर 5 मार्क्स में। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा फर्दर वीडियो में। तो ध्यान दीजिए भाई, जो पेपर ए है एनाटॉमी का, उसमें आपसे इन्हीं में से पूछेंगे माइक्रोएनाटॉमी किसी भी एक स्ट्रक्चर की। ठीक है, कैसे पूछेंगे वो आपसे, ऐसे बोल देंगे, एक्सप्लेन माइक्रोएनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एक्सप्लेन माइक्रोएनाटॉमी ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सिंपल, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वो यूनिवर्सिटी वालों की मर्जी भाई, जैसे भी पूछे आपसे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, जो पेपर ए है एमबीबीएस वालों का, वो 28 जैन को होने जा रहा है भाई, 2023। ठीक है, और यहां भी मैंने भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता दिए आपको, जो आपके पीसीटी या एमपी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या ड्यूरिंग द वाईवा प्रैक्टिकल। ठीक है, आपसे इन्हीं की पूछे जाएंगे, और ये मैंने प्रेफरेंस के हिसाब से लिखे हैं यहां पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल डिस्कशन करते हैं, देखिए, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, और आपकी पैलेटाइन टोन्सिल, देख लीजिए ये वाला, ये लेटेस्ट अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो भाई पूरे के पूरे चांस है कि इनमें से ये तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड मैक्सिमम चांस पूछे जाने के अब की बार, और आपसे सेरेब्रम पूछ सकते हैं कोई एक, सेरेबेलम, मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, 3 प्रकार की हैं भाई, सीरस सलाइवरी ग्लैंड जो कि पैरोटिड ग्लैंड होती है, म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड जो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। इनमें से कोई एक पूछ सकते हैं, हालांकि भाई सब मैंडिबुलर की पूछ सकते हैं, इसके पूरे पूरे चांस से ध्यान रखना। ठीक है, पैलेंटाइन टोन्सिल, देन थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड एक साथ ही आ जाएंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की पूछ सकते हैं भाई, स्किन, 2 प्रकार से स्किन की पूछ सकते हैं, थिक स्किन और थिन स्किन, याद रखिएगा, स्टार मार्क्स का रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। टंग की पूछ सकते हैं भाई आपसे, लिप की, टंग के चांस बन सकते हैं, लिप की पूछ सकते हैं, हयालिंग। अब सुनिए, अगर इनमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कोई भी, मान लो सेरेब्रम की ब्लड सप्लाई पूछ ली, या सेरेबेलम पे क्वेश्चन पूछ लिया, या मेमोरी ग्लैंड पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर इनकी माइक्रोएनाटॉमी नहीं आएगी, ये पैटर्न रहेगा भाई, समझ रहे हो? बिल्कुल। अब मान लो इन पे क्वेश्चन आ गया, तो भाई हयालिन कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये अप्रोक्सीमेट सारी करवा दूंगा चैनल पे। ठीक है, आपके 28 जैन को जो पेपर होगा उससे पहले पहले। ओके, आ जाओ। अब मान लो इनमें से कोई नहीं आया, तो भाई कंपैक्ट बोन पे पूछ सकते हैं आपसे, कंपैक्ट बोन की माइक्रोएनाटॉमी पूछ लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की पूछ सकते हैं, एडिपोज टिश्यू की पूछ लेंगे, ईसोफेगस की भी पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछ सकते हैं ईसोफेगस की। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, हाँ, बहुत कम चांस रहेगा इनके आने के, स्केलेटल मसल की पूछ लेंगे, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, आर्टरी या वेन की पूछ सकते हैं, टूथ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की पूछ सकते हैं भाई, ये नेग्लिजिबल, बहुत कम चांस है इनके पूछे जाने के, इन्हीं में से आ जाएगी आपकी एक माइक्रोएनाटॉमी पक्का, 3 या 5 नंबर। कैसे लिख के आना है सब बताऊंगा मैं फर्दर वीडियोज में आपको, तो कंटिन्यू बने रहिए। हाँ भाई, कितने हो गए देख लो, अप्रोक्स 13, 14, 15, 16, 17, 17 तो ये 17, 18, 21, 7, 28, 29 माने तो एक ही बात है, 28 मान लो। ठीक है, इसके अलावा दो और देखिए भाई, 29 और 30, ध्यान दीजिएगा, आपसे पेरिफेरल नर्व की माइक्रोएनाटॉमी पूछ सकते हैं भाई, और सिंपैथेटिक गैंगलिया, ये लो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट
30 माइक्रो एनाटॉमी जो पूछी जा सकती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगेन भाई इन्हीं में से आ जाएगी आपकी पहली 10 में से, ठीक है, जो 28 को पेपर होगा। ठीक है, होप सो गाइस आपको पता चल गया कि पेपर ए में हिस्टोलॉजी से इन स्ट्रक्चर्स की माइक्रो एनाटॉमी पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे बैच के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट।